क्या ज्योतिष एक अंतिम निर्णय है? क्या सारे काम बिना कर्म किए भी ज्योतिष से पूर्ण हो जाते हैं? क्या आप कुछ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, लगन से काम नहीं करते, अपने कर्म नहीं सुधारते, नीति नहीं करते, तो ज्योतिष शास्त्र से वो काम क्या पूरे हो जाते हैं? आज इन्हीं सभी बातों के बारे में आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी मानसिक में वहम है, वो आपको दूर करना मैं आज चाहने की दूर करने की कोशिश में करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक कौशिक, ज्योतिष आचार्य, मैं वास्तु विशेषज्ञ। मैं कल अपने ऑफिस में था तो एक लड़का आता है और मेरे से पूछता है, गुरुजी मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? और तो मैंने उनसे पहले यही सवाल पूछा कि क्या मेहनत करते हो? तो बोला, गुरुजी नहीं, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुंडली में योग है तो क्या वो चीज़ मेरे को मिलेगी? तो देखिए, मैं ये बता देता हूँ, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पीढ़ी आ जाए, चाहे आज की जनरेशन या आज से 20 साल के बाद, पुराने लोग चले जाते हैं, नए लोगों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बिना कर्म कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई शास्त्रों में विद्या नहीं है जो आप कर्म किए बिना, आप एक स्वयं एक कमरे में बैठे हो आराम से सोफे पर और वो काम आपका चुटकी भर में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बिना कर्म कोई काम नहीं है। आज टेक्नोलॉजी देखो कहां है, लेकिन कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, उसको दबाने के लिए अंगुली की जरूरत तो पड़ेगी आपको। बिना टेक्नोलॉजी के कोई, बिना कर्म के कोई काम सक्सेस कैसे हो सकता? आप भोजन करते हैं तो खाएंगे, तभी भोजन करेंगे, अपने आप भोजन आपके शरीर में नहीं चला जाएगा। तो कर्म प्रधान होता है, लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनका भी अपना एक अलग महत्व है। वो कहां काम करते हैं, ज्योतिष कहां काम करता है, जहां सब कुछ हताश हो जाता है, इंसान कर्म करने पर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है, यथा मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है और लगा रहता है रात दिन अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, फिर भी उसको वो सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम यह निकालने की एक अनुमानित कोशिश करते हैं, एक अनुमानित भविष्यवाणी करते हैं कुंडली के हिसाब से, घरों के हिसाब से, कि उन पर किस ग्रह का क्या असर है और ये पुण्य करने से उनको क्या प्राप्ति होगी। पुण्य का एक अपना महत्व होता है, पुण्य अगर आप करते हो तो पुण्य का फल भी आपको मिलता है। तो अगर आप सही ज्योतिषी से या सही ब्राह्मण से आप राय लेते हैं तो आपको सही राय देगा, नहीं तो अपनी पॉकेट भरने का काम करते। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में आपको डाल दूंगा उसके बारे में। तो आज हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म प्रधान है। हम भी कर्म कर रहे हैं तभी आज है, नहीं सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर मैं बनता खुद, मैं क्यों लोगों के ज्योतिष देखता, मैं क्यों पूजा पाठ करता, मैं आईएएस ऑफिसर बनता। तो कर्म प्रधान होता है और आप कर्म पर ध्यान दीजिए। हम भी अपना कर्म कर रहे हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन पर पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप मेरे पास आते हैं या कुंडली दिखाते हैं, कभी मिलते हैं या किसी भी पंडित जी से मिलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि कर्म में कोताही नहीं होनी चाहिए। कर्म अगर आपका कम करोगे तो फल कैसे मिलेगा आपको, ये बताओ। पंडित जी में वो ताकत नहीं है, ज्योतिषाचारी में वो ताकत नहीं कि आपको ऑफिसर बना दे, वो अपने बच्चों को पहले सेट करेगा ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, कई बार दो जगह पे ठहरता है ज्योतिष, दो टायर होते हैं, पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी। अब सकारात्मकता का भी पात्र है ज्योतिष और नकारात्मकता का पात्र है, तो आप उसको तरलता में बैठाने के लिए ज्योतिष वहां काम करता है, कहां पर काम करना चाहिए ये एक ज्योतिषाचार्य को अच्छे से ध्यान होता है, अगर वो सही से अपने नीति से अपने धैर्य से काम करता है। और अगर आपको ईश्वर पे और ब्राह्मण देव पे अटूट विश्वास है तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे, ऐसी बात नहीं। तो मेरा यही मकसद था, और कर्म कीजिएगा तभी फल मिलेगा, गीता में भी यही लिखा है। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा यूट्यूब पर। धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।